हाँ ये नाज़रीन, आज हम आपको हलवा पूरी का हलवा बनाना सिखाते हैं। आज के दौर में जो हलवा पूरियों के साथ बना हुआ दुनिया भर में दिखाई देता है वो हलवा पूरी का हलवा नहीं है, वो सिर्फ सूजी का हलवा है। जबकि हलवा पूरी का हलवा जो है वो बिल्कुल ही और तरीके पर तैयार किया जाता है, जो कि हम आपको अब सिखाते हैं। वो एक जाली नुमा हलवा सा होता था, रबरी सा हलवा, जिसका बहुत सा घी जो था वो अखबार के कागज़ पर आया हुआ होता था। तो ये वो हलवा है। तो सबसे पहले तो हमने सेमोलिना ले लेनी है, हाफ कप सूजी जो कि फाइन है। इसमें हमने बॉइलिंग वाटर डाल दिया है और इसको हमने भिगो लेना है। इसको ज़रा सा शेक कर लें और इसको फिर थोड़ा सा हिला लें। बहुत ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, बस अगर लगे कि बिल्कुल ही वो हिलाया भी नहीं जा रहा तो थोड़ा सा और डाल लें। इसके बाद आपने उसको यूं ही रखा रहने देना है। 5 to 6 हमने ग्रीन कार्डमम्स ली हैं, बड़ी अच्छी फ्रेश बड़े साइज़ की हैं। इनके हमने दाने निकाल लिए हैं और इनको हमने पीस लेना है। वीकेंड है तो सभी इस वक्त किचन में लगे हुए हैं। तो एक वॉक में हमने देसी घी डाला है, हाफ कप होगा करीबन, और इसमें हमने वो जो ग्रीन कार्डमम पीसी थी, हरी इलायची, वो डाल देनी है। ज़रा सी ही तली जाए तो जो डोसा तैयार हुआ था सेमोलिना का, वो हमने इसमें डाल देना है। आपने देखा कि सेमोलिना में हमने ज़्यादा पानी नहीं डाला है, उससे यह है कि ये तली नहीं जाएगी। तो उबले हुए आलूओं में और तले हुए आलूओं में फ़र्क होता है, तो जो चीज़ हमने भून के रोस्ट करके बनानी है वो कतन हम बहुत ज़्यादा पानी डालकर नहीं बना सकेंगे। तो हलवा मज़ेदार बनता ही जब है जबकि वो तला तला सूजी का हो। तो 1/4 टीस्पून हमने फूड कलर का डाल दिया है, येलो कलर है, दिखाई देने में ऑरेंज है लेकिन मिक्स होके येलो ही दिखाई देगा। इसके बाद हमने इसको थोड़ा सा भून लेना है और इसमें हमने चीनी डाल देनी है। हाफ कप हमने शुगर का लिया है, इसको भी हमने थोड़ा सा हिला लेना है। ये लिक्विड में बदल जाएगी और थोड़ा सा ये पतला हो जाएगा। इसमें अब हमने 1/4 कप जो है वो दूध का डाला है और इसको अब हमने मिक्स कर लेना है। ये इसमें गाहे गाहे आपको पानी डालते ही अब से रहना पड़ेगा। थोड़ा सा पानी डाला, इसको फिर हमने हिला लिया, हिलाया, इस तरह पर इसको मिक्स कर लिया। ये बहुत अच्छा सा स्मूथ सा एक पेस्ट सा तैयार होगा। उसके बाद आप देखेंगे कि इसमें फिर से थोड़ी देर बाद लम्प्स बनने लगे हैं। जब ये थोड़ा सा लम्प बनाने लगे उस वक्त आपने इसमें फिर से थोड़ा सा पानी डाल देना है। जैसे अम्मी कहती हैं या हम भी घर में बेटी को बताएं कि पानी कितना डालना है तो हम कहते हैं 1 घूंट। तो जितना 1 घूंट में पानी डाला जाता है बस उतना ही डालना होता है। गाहे गाहे पानी डालते रहें, हिलाते रहें, डालते रहें, हिलाते रहें। एक वक्त आएगा आप देखेंगे कि इसको और पानी की ज़रूरत नहीं रही है। ज़ाफ़रान हमने लिया है, सेफ्रॉन थोड़ा सा, कोई 12-14 पत्तियाँ होंगी, और वो हमने इसमें डाल देना है। मिक्स कर लेना है इसको अच्छी तरह से। आप देख रहे हैं कि इसके फिर से लम्प्स बनने लगे हैं और वही फिर हमने किया है कि इसमें 1 घूंट हमने पानी का डाल देना है। पानी डालते ही आप इसको मिक्स करेंगे तो ये बहुत अच्छा स्मूथ सा बिल्कुल एक टेक्स्चर तैयार होगा। आप देख सकते हैं कि ऑयल इसका अब अलग दिखाई देने लगा है, घी जो है वो ऊपर आ जाएगा बावजूद इसके कि आप इसमें पानी डाल रहे हैं। जिस वक्त आपको साइड्स पे इस तरह पर बबल्स बनते हुए दिखाई दें और घी इसका ऊपर आने लगे, उस वक्त आप समझ लें कि ये हलवा जो है ये बिल्कुल तैयार है। ये हैं वो चीज़ें जो हमने तैयार की हैं। इन सब की इनफरादी तौर पर रेसिपीज़ जो हैं हमारे चैनल पर मौजूद हैं। हलवा इस वक्त गर्म है तो पतला दिखाई दे रहा है, जिस वक्त आप इसको ठंडा होने देंगे थोड़ी देर के लिए तो ये बिल्कुल ही जम जाएगा। तो ये तो थी हमारी हलवे की रेसिपी जो कि पुराने वक्तों में पूरी के साथ आया करता था। खुदा करे कि ये आपको पसंद आए और आपका बहुत अच्छा तैयार हो। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।